एक क्लिक से चालू और एक क्लिक से बंद। हमारी ये पेन इस मेटल की स्प्रिंग की वजह से काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी मैग्नेट का स्प्रिंग देखा है? अक्सर बरसात में निकलने वाला हमारा ये मेंढक इस मैग्नेटिक स्प्रिंग या चुंबकीय स्प्रिंग की मदद से उछलता है। तो चलिए ये मजेदार खिलौना बनाकर इन छलांगों के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो ये मैग्नेटिक मेंढक बनाने के लिए हमें ईवा शीट का टुकड़ा, कुछ रिंग मैग्नेट्स, एक कड़क स्ट्रॉ या लकड़ी जिसका व्यास रिंग मैग्नेट के छेद के बराबर हो, और एक मेंढक का कटआउट चाहिए। सबसे पहले ईवा शीट के छोटे टुकड़े में एक छेद कर लें ताकि इसमें ये जो हमारी स्ट्रॉ है ये बैठ सके। स्ट्रॉ को ईवा शीट में बैठा कर अच्छे से जोड़ लें। याद रखे, चुंबक के छेद और स्ट्रॉ का व्यास बराबर रहे, नहीं तो चुंबक सीधा नहीं रह पाएगा। रिंग मैग्नेट्स को स्ट्रॉ में ऐसे रखे ताकि आसपास वाले मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करें। ये अट्रैक्ट है तो उल्टा। अब आखिरी चुंबक में हमारे मेंढक का कटआउट चिपका दे और हमारा मैग्नेटिक स्प्रिंग मेंढक तैयार है। ऊपर वाले चुंबक में थोड़ा बल लगाकर उसे नीचे की ओर खींचे और छोड़ने पर हमारा मेंढक उछलता है। क्योंकि सभी मैग्नेट्स के समान पोल्स आमने सामने हैं, पास लाने पर वो एक दूसरे को रिपेल या विकर्षित करते हैं। ये पूरा सिस्टम साथ मिलकर एक स्प्रिंग जैसे काम करता है। मैग्नेट्स को पास लाने के लिए हमें उसमें बल लगाना पड़ता है। जैसे ही हम मैग्नेट्स को छोड़ते हैं, ये एक दूसरे को धक्का देते हैं ताकि वो अपने पहले वाले स्थिति में वापस आ जाए। जब मैग्नेट्स के समान पोल्स पास आते हैं तब उनमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी या चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस स्प्रिंग में जब हम फोर्स लगाकर मैग्नेट्स को पास लाते हैं तो नजदीकी की वजह से इनमें ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। मैग्नेट्स छोड़ने पर ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर आती है और हमारा मेंढक उछल जाता है। जितना हम उन्हें पास लाते हैं उतना ही वो दूर जाते हैं। इसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 चुंबक है तो हम इन्हें कैसे अरेंज करें ताकि ये सबसे दूर तक उछले। एक एक करके डाले। या दो दो करके डाले। या तीन तीन करके डाले। इतना ही नहीं, मॉडल को अलग अलग एंगल में रखकर मेंढक को उछाले। मेंढक सबसे दूर किस एंगल पे जाता है? रिपल्शन के वजह से ये मैग्नेट्स हवा में तो खड़े रहते हैं, लेकिन आप गौर से देखिए तो इनके बीच की दूरी अलग अलग है। तो चलिए अब हम इन्हें नाम दे देते हैं। नीचे वाले को 1, बीच वाले को 2 और ऊपर वाले को 3। जब सिर्फ 2 मैग्नेट्स है तो मैग्नेट 2 इस पोजीशन में इसलिए स्थिर खड़ा है क्योंकि दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स मैग्नेट 2 के वेट को बैलेंस कर लेता है। तब मैग्नेट 2 और 3 के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो 3 के वेट को बैलेंस कर लेता है। लेकिन मैग्नेट 1 को मैग्नेट 2 और 3 दोनों के वेट को बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए मैग्नेट 1 और 2 दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम मैग्नेट 2 के ऊपर 5 मैग्नेट डालते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो मैग्नेट 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस और कम हो जाएगा। अगर हम ये मैग्नेट्स को अलग अलग डालते हैं तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस लगभग 0.8 सेंटीमीटर है। अगर हम ये पांचों मैग्नेट्स को निकाल के इन्हें साथ में डालते हैं तो भी मैग्नेट 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 0.8 सेंटीमीटर ही है। तो आप भी अपने इस बिन बरसात के मेंढक को मैग्नेटिक स्प्रिंग में लगाकर उछालें और अगर मन किया तो 2 छलांग खुद भी मार लें। थैंक यू।